स्थानीय स्तर पर विलुप्त हो रहे पेड़ पौधों और जीव जगत की प्रजातियों की जानकारी एकत्रित करने के लिए सरकार के निर्देशानुसार बीडीओ नादान अपराजिता चंदेल की पहल पर रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। वर्ष 2002 में बने एक्ट के आधार पर उपमंडल की समस्त पंचायतों में यह कार्य लाइफ साइंस के स्नातकोत्तर युवाओं द्वारा पूरा किया गया। मंगलवार को इन 23 युवाओं ने बीडीओ के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कई विशेष जानकारियां इन युवाओं द्वारा एकत्रित की गई हैं। युवाओं ने नादौन क्षेत्र में पेड़ पौधों व जीव जंतुओं के विलुप्त हो चुकी और विलुप्त हो रही प्रजातियों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। वहीं ऐसे पौधों के औषधीय गुणों के बारे में जानकारी जुटाई है, जो केवल बुजुर्गों तक ही सीमित है। इसी तरह हर्षिता ने क्षेत्र में पाए जाने वाले गिद्धों के बारे में अहम जानकारी जुटाई है। मैंने में शिवानी धीमान, मैं जूट के बारे में बताना चाहती हूँ। जो जूट था वो यहाँ पे 10-15 साल पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन अब नहीं हुआ करता। इसको जूट को हम बोलते थे सर्ण या फिर कोकड़ा। तो अगर हम उसको चाहें तो ये प्लास्टिक का बहुत अच्छा अल्टरनेट मिल सकता है, बन सकता है, और जो हमारे हिमाचल की इकोनॉमी में बहुत अच्छा स्तंभ बन सकता है। ये स्टडी की है आप, उसके बारे में बताएं हमें कि क्या आपने स्टडी की है और क्या आपको। वल्चर्स जो है, वल्चर इंडिकस जो इंडिया की स्पीशीज है, वो एक्चुअली जो है वो अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है ऑल ओवर द इंडिया से। मैंने PhD फिलोसफर्स जो है वो यही मानते हैं कि जो वल्चर्स हैं वो अब एक्सटिंक्ट हो गई हैं ऑल ओवर द इंडिया, बट उसकी कुछ स्पीसीज जो है वो हिमाचल में पाई जाती हैं। जो थोड़े दिन पहले न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हो चुकी है ये बात कि वल्चर्स जो है वो हिमाचल में पाई जाती हैं, पर उनका मेन रीज़न जो है डिक्लाइनिंग का वो ये है कि जो बफेलोज हैं, जो हमने पशु रखे होते हैं घर में, हम उनकी हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं इंजेक्शन के थ्रू, और उसकी वजह से जब वो मर जाते हैं पशु, उनको जो वल्चर्स खाते हैं उनकी वो भी मर जाते हैं। जबकि स्केवेंजर जो वल्चर्स हैं वो हमारे फूड चेन का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और अगर वल्चर्स ख़त्म हो जाएंगे तो वो बहुत हमारी पूरी फूड चेन को डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हिमाचल जो है वो वल्चर्स का एक हॉटस्पॉट बन सकता है अगर हम उन्हें हमारी बफेलोज जो है उनकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो नेचुरल तरीके से करवाएं। और दूसरा रीज़न जो है वो मोबाइल रेडिएशन, जो कि बहुत सारे पक्षियों, सिर्फ वल्चर्स के लिए नहीं, बहुत सारे पक्षियों के लिए हार्मफुल है। बट वल्चर जो है वो हिमाचल में अभी भी उनकी स्पीसीज पाई जाती हैं, अगर हम इसे रोक लें और उनकी ग्रोथ को बढ़ाया जाए तो शायद हम वल्चर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वल्चर्स की जो 2-3 स्पीशीज यहाँ पाई जाती हैं, कईयों की नीली गर्दन होती है, कईयों की पिंक, 3 स्पीशीज पाई जाती है। जो क्रीम कलर की गर्दन वाले वल्चर्स होते हैं वो शायद मैक्सिमम जगह पे मिल जाते हैं हमें चिड़ियाघरों में भी, अब तो शायद खत्म ही हो चुके हैं, पर जो पिंक और ब्लू गर्दन वाले वल्चर्स हैं वो भी हिमाचल में पाए जाते हैं। वीडियो मैम अपराजिता चंदेल एंड PI सर फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। मतलब हमें इतनी नॉलेज नहीं थी अपने लोकेलिटी की, और यहाँ के जो प्लांट्स थे मतलब उनसे हमें नहीं पता था कि क्या क्या इनके यूजेस हैं, जो कि हमें फील्ड पे जाके पता चला है, अलग अलग लोगों से मिलके उनके बारे में उनके यूजेस पता चले हैं। हम पंचायत सेक्रेटरी वगैरह और प्रधान वालों को भी, उनको भी थैंक्स बोलना चाहते हैं जिन्होंने हमें हमारी हेल्प की। पटवारी से हमें लैंड के बारे में पता चला कि कितना कल्टिवेटेड है और कितना अनकल्टिवेटेड लैंड है, और मैम को और वीडियो मैम को थैंक्स बोलना चाहते हैं जिन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी। नमस्कार, मेरा नाम सोनू शर्मा है, और जिस तरह से जैव विविधता रजिस्टर बनाने के हेतु हमें ब्लॉक पंचायत, जो हमारा ये ब्लॉक डेवलपमेंट ब्लॉक नादौन की तरफ से जो है, जो BDO मैडम अपराजिता चंदेल जी और पंचायत इंस्पेक्टर मिस्टर पंगनी जी के द्वारा जो भी सहयोग मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी पंचायत सेक्रेटरियों के द्वारा जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई जैव विविधता रजिस्टर बनाने हेतु, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें इसमें बहुत अपने लोकल बॉडी में जो भी प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं उनको जानने का भी मौका मिला, और अंतिम दिन में हमें जो है वो जो BDO मैडम और पंचायत इंस्पेक्टर सर से जो है वो जीवन में कुछ करने के लिए उन्होंने मोटिवेट किया। BDO अपराजिता चंदेल ने बताया कि हर पंचायत में 2-2 युवाओं को भेजा गया जिन्होंने काफी बेहतर कार्य किया है। नमस्कार, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंतर्गत सरकार के निर्देशानुसार हमने पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाने के लिए कुछ बच्चों की नियुक्ति की थी, और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है ये बताते हुए कि सभी बच्चों ने अपना कार्य बहुत ही सकुशल किया है और बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे तरीके से सारे रजिस्टर्स हमारे तैयार हो गए हैं, जो कि कंपाइल करके हम आगे भेज देंगे। और इसके साथ मैं ये बताना चाहूँगी कि पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाने का जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था वो है कि हम अपने लोकल बायोडाइवर्सिटी फ्लोरा और फौना को आइडेंटिफाई करें,
और उन ताकि जो हमारी एग्जिस्टिंग डाइवर्सिटी है उसको प्रिजर्व किया जा सके, जो एंडेंजर्ड हमारे स्पीशीज़ हैं उनको कंजर्वेशन के लिए एफर्ट्स उठाए जा सकें। उसके अलावा जो हमारे लोकल हर्ब्स, मेडिसिनल प्लांट्स और इस तरह की और प्रजातियां हैं जिनका इस्तेमाल करके हम मेडिकल एलिमेंट्स को या ट्रीट कर सकते हैं या फिर कॉस्मेटिक्स बना सकते हैं, उन सबको हम पंचायत लेवल पर ही आइडेंटिफाई करें और ताकि फ्यूचर में हम चाहें तो उनको प्रोसेस करके एक अनदर रिसोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकें। तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से ये कार्य किया है और आई होप कि जिस तरह से बच्चों ने ये कार्य किया है नदौन का भविष्य बहुत ज़्यादा उज्ज्वल है। थैंक यू सो मच। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नादौन से निष्पक्ष भारती की रिपोर्ट।